क्षेत्र के मल्टी आर्ट सेंटर में विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय नाट्य रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने किया है। आपको बता दें कि हरियाणा कला परिषद द्वारा ये रंग महोत्सव मनाया जा रहा है। 7 दिवसीय उत्सव में हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से रंगकर्मियों द्वारा ही नाट्य प्रस्तुतियां दी जानी है। उत्सव का शुभारंभ हरियाणा कला परिषद की नाट्य प्रस्तुति सैया भये कोतवाल से हुआ है। कला परिषद के निदेशक संजय भसीन ने बताया कि कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट्स कल्चरल सेंटर में विश्व थिएटर डे के उपलक्ष्य में हरियाणा कला परिषद द्वारा राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत सैया भये कोतवाल नाटक से फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग एवं पूर्व IPS अधिकारी अनिल धवन ने फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी काल में भी लोग आए और आनंद ले व मेले का भी लुत्फ उठाए। 27 मार्च तक फेस्टिवल चलेगा, लोग उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने कहा कि मेले और नाट्य उत्सव को देखने वे भी पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं पर्यटक राकेश राय ने बताया कि वे अपनी पत्नी वंदना के साथ मेले में पहुंचे हैं और बहुत दिनों के बाद मेले का आनंद ले रहे हैं। मेला बहुत ही शानदार है और यहाँ हरियाणा की संस्कृति देखने को मिली है। बताते चले कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और हस्तशिल्प विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में हरियाणा कला परिषद द्वारा ब्रह्म सरोवर स्थित कला कीर्ति भवन में आयोजित गांधी शिल्प मेले की भव्यता आए दिन बढ़ती नजर आ रही है। धीरे धीरे लोगों को मेले की जानकारी प्राप्त होने पर आगंतुक मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए शिल्पकारों की प्रदर्शनियां जहां लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं, वहीं बिहार, राजस्थान तथा हरियाणा के व्यंजन भी मेले का जायका बदल रहे हैं। राजस्थानी दाल भाटी चूरमा और बिहार का लिट्टी चोखा पर्यटकों की पसंद बना हुआ है। वहीं गोहाना की जलेबी आगंतुकों को मिठास परोस रही है। अपने नाम से शुरू करना है। मेरा नाम राकेश राय है, ये मेरी पत्नी है वंदना। बहुत दिनों बाद इस मेले का आनंद ले रहे हैं हम लोग। कुरुक्षेत्र में और बाकी पूरे देश में जो हालात थे, सभी को पता ही है, कोरोना की वजह से बाहर निकलना। और कैसा लगा मेला? मेला बहुत ही शानदार लगा। जो हरियाणा की संस्कृति है उसकी भी झलक दिख रही है, खाने पीने का और जो क्राफ्ट्स वगैरह जो हैं वो भी बहुत, जो स्टॉल्स लगे हैं शानदार लगे हैं। और जनता को आना चाहिए यहाँ पे देखने के लिए। और हमने आज एक नाटक भी देखा, सैया भये कोतवाल, जो बहुत ही बेहतरीन था। क्या नाम है आपका? राकेश राय। अपने नाम से शुरू करना है। मेरा नाम राकेश राय है, ये मेरी पत्नी है वंदना। बहुत दिनों बाद इस मेले का आनंद ले रहे हैं हम लोग। कुरुक्षेत्र में और बाकी पूरे देश में जो हालात थे, सभी को पता ही है, कोरोना की वजह से बाहर निकलना। और कैसा लगा मेला? मेला बहुत ही शानदार लगा। जो हरियाणा की संस्कृति है उसकी भी झलक दिख रही है, खाने पीने का और जो क्राफ्ट्स वगैरह जो हैं वो भी बहुत, जो स्टॉल्स लगे हैं शानदार लगे हैं। और जनता को आना चाहिए यहाँ पे देखने के लिए। और हमने आज एक नाटक भी देखा, सैया भये कोतवाल, जो बहुत ही बेहतरीन था। क्या नाम है आपका? राकेश राय। 27 तारीख को वर्ल्ड थिएटर डे है, इसके उपलक्ष्य में आज हरियाणा कला परिषद की ओर से राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। सैया भये कोतवाल नाटक से इसका आरंभ हुआ है। माननीय SSP कुरुक्षेत्र के हिमांशु गर्ग जी और पूर्व IPS अधिकारी अनिल धवन जी ने इसकी ओपनिंग करी है। और मैं यही कहूँगा कि कोरोना के इस काल के अंदर, हालांकि अभी भी संकट में है कोरोना, लेकिन आए लोग हंसी मजाक अपना उत्साहपूर्वक मेले को भी देखें और इस फेस्टिवल का भी आनंद लें। ये 7 तारीख तक चलेगा, 21 तारीख से 27 तारीख तक ये फेस्टिवल है और 17 तारीख से मेला चल रहा है, 27 तारीख तक ये चलेगा। और क्या सर, आज भीड़ है, काफ़ी भीड़ नजर आ रही है? पहले भीड़ कल भी थी, आज इतवार है इस वजह से भी। दूसरा, पहले थोड़ा कोरोना से लोग भयभीत थे, जब उनको ये पता लगा कि भाई हरियाणा सरकार कोई ऐसे लॉकडाउन नहीं करने वाली, तो लोग कल भी आए, आज भी और आगे तक भी आए। सर, कोरोना के समय में कलाकार साथ बैठे थे आपके कार्यक्रम के बाद, इनको दोबारा से रोजगार मिला है, खुशी की लहर है कलाकारों के लिए? पहली बात तो मैं आपसे बता दूं कि आज ये जो प्रस्तुति हुई है, ये हरियाणा कला परिषद की अपनी प्रोडक्शन है और इसके अंदर कलाकारों ने सिवाय जो
प्रोफेशनल म्यूजिक वाले बच्चे आए हुए हैं, उनके अलावा किसी भी बच्चे ने सिवाय सम्मान के कुछ नहीं लिया है। सर जो यहाँ पर हाँ, अब बाकी जितने भी नाटक के बाद जितनी भी टीमें आएंगी उन सब कलाकारों को उनका मानदेय मिलेगा, उनके खाते में जाएगा। ये नाटक की आपने तैयारी करवाई इसके बारे में? ऐसा था कि भाई जब हरियाणा कला परिषद की मुझे जिम्मेवारी मिली तो मुझे ये लगा कि भाई जब से हरियाणा कला परिषद बना है शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति जो थिएटर से या किसी आर्ट से जुड़ा हो वो यहाँ पर आया है। अगर वो आया है तो उसको अपनी दिखाना भी चाहिए कि भाई मुझे क्या आता है या नहीं आता, या कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ बच्चे आते थे आकर चले जाते थे, मैंने बच्चों से कहा कि भाई मैं कार्यशाला लगाना चाहता हूँ, तो बच्चे मान गए। तो उसके अंदर नए सैया भय कोताल तैयार हुआ, दो टीमें इसमें तैयार हुई थी और अलग अलग टाइम पर उन दोनों बच्चों ने किया है। और भविष्य के अंदर ये है कि तुरंत ही पहली तारीख से एक नई वर्कशॉप जिसके अंदर एक और युद्ध नाटक के कार्यशाला के अंदर नाटक तैयार कर दिया जाएगा, जिसके अंदर समाज के अंदर फैली हुई सभी कुरीतियों का दर्शाया जाएगा। और एक आज नाटक देखिए, आज जो हरियाणा कला परिषद की तरफ से जो ये मेला लगाया गया है और जो नाट्य उत्सव का आज शुभारंभ किया गया है, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने पूरा आज जो नाटक था वो देखा, बहुत ही अच्छा नाटक था और मुझे बड़ा गर्व हुआ देख करके कि किस तरह से हमारे हरियाणा के कलाकार इतना अच्छा प्ले उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा। और एक व्यंग का प्ले था, व्यंग के माध्यम से उन्होंने कई सामाजिक चीज़ें भी हमें बताई, तो काफ़ी अच्छा लगा और बहुत अच्छी ऑडियंस थी। मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। यहाँ पर शिल्प मेले में भी पूरे देश से कलाकार आए हुए हैं और पूरे देश से जो शिल्प कला है उसका प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। मैं सभी कलाकारों को, सभी शिल्पकारों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं फिर कभी यहाँ पर आऊँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जिस तरह से मदद कर पाऊँ सबकी मैं करूँगा। सर कोविड के लेकर क्या अपील करेंगे लोगों से, मेला चल रहा है? देखिए कोविड में सभी को जानकारी है, पहले से ही सबको पता है, बार बार दोहराने की जरूरत तो नहीं है। मास्क पहनने की अपील पुलिस भी लगातार कर रही है, कई सामाजिक लोग भी कर रहे हैं और लोगों को समझ भी आ रहा है, लोग काफ़ी हद तक मास्क लगाते हैं। फिर भी हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोगों में थोड़ा सी जागरूकता पैदा की जाए और बताया जाए कि किस तरह से मास्क का महत्व है, डिस्टेंसिंग का महत्व है, तो वो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।